हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल पे। आज हम आपको दूसरा पार्ट लाए हैं इसका, जिसमें 51 से लेके 100 100 नंबर तक के क्वेश्चन रहेंगे। ये वीडियो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो ITI के CBT एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें फ़ायदा करें। ITI के अलावा और भी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करेगा, प्रश्न क्वेश्चन फ़ायदा करेगा आपको। वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। देखिए, यहाँ पे टाइमिंग का दिया हुआ है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर T1 है हमारा, ये वाला T1 ट्रांजिस्टर है, ये वाला हमारा, और ये T2 ट्रांजिस्टर, यानी कि T1 से T2 में आने में, टर्न ऑन होने में टोटल कितना समय लग रहा है। तो जो हमारा TD है और हमारा TD और हमारा TR, यानी कि ट्रांजिस्टर टर्न ऑन टाइम एंड डेफिनेशन टाइम जो दोनों होता है, वो हमारा दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि 51 का सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु संपर्क, विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। यानी कि विच डिवाइस इज मेड अप यूजिंग द मेथड ऑफ पॉइंट कॉन्टेक्ट ग्रोइंग डिफ्यूजन एलॉय जंक्शन, यानी कि इसका उपयोग करने के लिए किस धातु का निर्माण किया जाता है। यानी कि डिफ्यूजन भी हो जिसमें मिश्र धातु का निर्माण हो, सिलिकॉन जर्मेनियम आदि का हो, तो हमारा क्या होता है, हमारे वो ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है उसमें। इसके किसका किया जाता है, ट्रांजिस्टर का, यानी कि डी ऑप्शन क्या, 52 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। यानी कि जो ट्रांजिस्टर का जो होता है उत्सर्जक क्षेत्र कलेक्टर क्षेत्र, यानी कि IC जो होता है वो एमिटर आई से क्यों बड़ा क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कि इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। ठीक है, इट डिसिपेट मोर हीट करता है, या ज़्यादा गर्मी का प्रसार करता है, इसलिए इसको बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, 53 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 54 नंबर, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है। यानी कि हमारा क्या, हमारा ये फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि एक एम्पलीफायर के रूप में नहीं, एक एम्पलीफायर के रूप में नहीं काम करता, ये बेसिकली स्विच के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, हमारे स्विच की तरह करता है। यानी कि 54 का क्वेश्चन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि एमिटर बेस और कलेक्टर के बेस में अगर अभिनत फॉरवर्ड बायस में है, तो हमारा किस तरीके से काम करेगा, जो स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, 54 का डी ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है 55, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर होता है, बेसिकली उसका मुख्य लाभ क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सबसे मिनिमम डिस्टोरेशन होता है, यानी कि जो भी हमारा इनपुट देते हैं आउटपुट में हमारा क्या होता है, लगभग 99% तक हमारा प्राप्त हो जाता है, गेन हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम डिस्टोरेशन होता है इसमें, न्यूनतम विकृति होती है। तो 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोलक सर्किट में दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। यानी कि दोलक सर्किट में तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट हमारा क्या होता है, हमारा आवश्यक होता है। इसके लिए पॉजिटिव फीडबैक हमारा क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारा 54 का क्या हो जाएगा, हमारा 57 का क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनियन जंक्शन यानी कि UJT का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग यानी कि UJT को किस उपयोग में लाते हैं। बेसिकली ट्रिगरिंग सर्किट का उपयोग में लाते हैं, UJT को हम ट्रिगरिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। तो 58 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 59 कह रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। ठीक है, इसमें किसका होता है, जैसे सबसे बेस्ट हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा FET होता है, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ही हमारा क्या होता है, इसमें लीनियरिटी होती है, शोर कम होता है, कम इलेक्ट्रोड अंतर का लोड इलेक्ट्रोड में अंतर होता है। यानी कि 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 61 को नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। ये बेसिकली हमारा कौन सा हमारा एम्पलीफायर सर्किट है, ये हमारा है कॉमन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ये हमारा क्या है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। ठीक है, क्या हो क्या 61 का डी। अगला कह रहा है कि 220 RMS AC वोल्टेज का पीक RMS मान क्या होता है। ठीक है ना, इसका सीधे बात है, 220 √3 कर देंगे तो हमारा 311.17 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि CRO होता है उसका इनपुट इम्पिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है ना?
इसको के सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर, सीआरओ में ट्रिगर करके, नहीं हमारा इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं प्रोब में, क्या करते हैं हमारा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिससे करंट को प्रतिबाधा क्या होती है, पड़ जाती है, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या करता है करंट को क्या करता है डिक्रीज कर देता है, देन आफ्टर इम्पीडेंस हमारा क्या करता है इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा 63 का क्या हो जाएगा, हमारा ए सीआरओ प्रोब में हमारा एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ठीक है। अगला कह रहा है 0.2 माइक्रो सेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किएगा सीआरओ स्पीड पर प्रतिदिन 2/5 10 हो जाएगा, ठीक है। 64 का हमारा क्या हो जाएगा, 1000 किलो हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। सीधे से भाग देना होता है, उस भाग देना था उसमें। अगला कह रहा है रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है, ठीक है। अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाए तो रेडियो में क्या खराबी आएगी, सीधी सी बात है आवाज़ आए, कम आवाज़ के साथ काम करता है हमारा, आवाज़ क्या होगा उसका बैंडविड्थ कम हो जाता है, देन आफ्टर स्लो आवाज़ आएगा रेडियो का। तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि व्यक्तिकरण क्षेत्र व्यवहार कैसे करता है, यानी कि डिप्लीशन रीजन कैसे व्यवहार करता है, जैसे के लिए कुचालक होता है, डिप्लीशन रीजन में क्या होता है हमारा कुचालक होता है, डिप्लीशन रीजन होता है कि इस बात को समझ लो, जैसे मान लो एनपीएन ट्रांजिस्टर है हमारा, एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन तो हमारा ये जो होता है ये क्या कहलाता है, हमारा डिप्लीशन रीजन कहलाता है, ठीक है ना। तो 66 का क्या हो जाएगा, हमारा कुचालक के रूप में कार्य करता है, 66 का क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि 66 वोल्टेज किला पर ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ सीई एम्पलीफायर का लाभ क्या है, इसका लाभ क्या हो जाएगा, 6600 हो जाएगा, ठीक है, इसको रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रभाव है अगर एस सी आर को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट को हटा लिया जाता है, देन आप तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे तो वो चालन पिन नियंत्रण क्या है, अगर गेट करंट को हटा लेते हैं तो इससे करंट बहुत अधिक मात्रा में फ्लो कर जाएगी, जिससे हमारा जो कंडक्टर क्या होगा हमारा चालन पर क्या नियंत्रण खो देगा, इट मीन्स कंडक्शन हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि जेईटी में जेएफईटी से बेस्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जेफईटी होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जेफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज का प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव है, ड्रेन करंट क्या होती है इसे शून्य हो जाती है, ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, 69 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि लाल नीला काला अंकित किए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है, बेसिकली हमारा क्या कहता है, 3 फेज DC प्रणाली है, यानी कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 का ए, ठीक है। अगला कह रहा है कि तार को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है, यानी कि गुच्छा बांधने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका किसका उपयोग करते हैं हम लोग, नायलॉन बंध का उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि 71 का सी। अगला कहा कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाया जाता है, कि असेंबली किस उपकरण से, सेंसर से बचाते हैं, किससे बचाते हैं हम लोग, सेंसर से। सेंसर क्या करता है, कोई भी करंट अगर फ्लो करती है, ज़्यादा करंट फ्लो करती है, सेंसर सेंस कर लेता है, देन आफ्टर सूचना दे देता है एमसीबी को, देन आफ्टर करता है उसको ट्रिप कर देता है, यानी कि सेंसर से बचा जा सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स चिन्ह, ये हमारा एक्स किस चीज़ का, किस मतलब क्या कह सकते हैं, कौन सा डिवाइस है हमारा है, ठीक है ना। ये हमारा है एक्जुलरी कॉन्टैक्ट, हमारे इसको क्या बोलते हैं ना, एक्जुलरी कॉन्टैक्ट है, अलग से सहायता प्रदान कर, एक्जुलरी अलग से सहायता करता है, ठीक है। 73 का हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है, इस मतलब ये जो हमारा दिया गया इसका नाम क्या है, ये हमारा डीन रेल कहते हैं, ये हमारा क्या कहता है, डीन रेल कहता है, जिसपे क्या होता है केबल हम ले जा सकते हैं, टावर वगैरह देखा होगा आपने, इस पर केबल को ले जाया जाता है, ठीक है। 74 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है एक्स परिपथ किसको डिनोट कर रहा है, यानी कि एक्स वाला ये वाला जो सिंबल हमारा है ये किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, एक्स वाला। संयोजक कह रहा है, नो बोल्ट कॉइल कह रहा है, स्टॉप बटन, ओवरलोड रिले, ये हमारा क्या, ओवरलोड रिले ड्रेन टाइप है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है, ये हमारा कौन सा गौड़ है, मैंने किसका इसका उपयोग कहाँ किया था, इसको क्रोमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेट बोलते हैं, जैसे इसको क्रोमेट बोलते हैं, कसने के इसका उपयोग किया जाता है बेसिकली। अगला क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, तो इसमें क्या करते हैं, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ध्यान से पढ़िए इसको ध्यान से, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको बोलते हैं MCB, MCB क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से क्या करता है, बचाता है, और ओवरलोड होता है तो भी स्टार्टअप बंद हो जाता है और ओपन हो जाता है, बेसिकली कहा जाता है इन्हें इलेक्ट्रिशियन में, ठीक है।
और हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो भी क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है, जैसे करंट फ्लो ही नहीं करती है। ठीक है, अगला था 78, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। सेम बात वही है, मिनी सर्किट ब्रेकर। अगला कह रहा है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित किया जाता है। लिमिट स्विच के द्वारा किया जाता है, इसको क्या करते हैं, लिमिट स्विच के द्वारा डिनोट संचालित किया जाता है। 79 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या है, कि पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग किस लिए प्रदान करते हैं। ठीक है ना, इसमें हम पैनल बोर्ड अर्थिंग इसलिए प्रदान करते हैं ताकि एक हमारा एक मशीन का अर्थ हो और दूसरा हमारा पैनल का अर्थ हो, जिससे हमारा बचा रहे। ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए, एंड के काशी का सी हो जाएगा। ठीक है ना, किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है, वो लिमिट स्विच बेसिकली इसका प्रयोग किस सर्किट में किया जाता है, तो हमारे लिमिट सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं, लिफ्ट सर्किट में, सॉरी लिफ्ट सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, 82 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है, यानी कि कोई एक सर्किट है मान संयोजक है, उसमें बिजली का चयन किस लिए किया जाता है, जब इसमें क्या करते हैं, धारा के अनुसार नहीं, आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार नहीं, इसमें क्या करते हैं, नो वोल्ट कॉइल के अनुसार इसका उपयोग करते हैं, एज नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार क्या करते हैं, इसमें बिजली का चयन करते हैं। ठीक है, 83 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उपयोग किए पेच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसका किसी ना डीन रेल का उपयोग करते हैं, किसका भी इसमें फिगर दिखाया था ना, उसी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, पेच का उपयोग पैनल बोर्ड में डीन रेल का उपयोग किया जाता है। अगला कहता है किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवर हीटिंग से बचाता है, भाई थर्मल रिले का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, थर्मल रिले क्या करते हैं, हीटिंग और ओवर हीटिंग से क्या करता है, बचाता है हमारा। अगला कह रहा है कि नियंत्रण कक्ष में जी चैनल, यानी कि जी चैनल का उपयोग क्या है, जी चैनल हमारा क्या होता है, इसका उपयोग क्या किस में किया जाता है, तो इसको फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्टर, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्कता का मानव कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है। ठीक है ना, इसका क्या करते हैं, इसको रट लीजिएगा ध्यान से, एग्जाम में आ सकता है, AC2 यानी कि बी ऑप्शन, नासी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार के संचालन के लिए संयोजक के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है। ठीक है ना, सबसे पहले स्टार होता है, फिर मेन होता है, फिर टाइमर होता है, फिर डेल्टा होता है, कोई मोटर देखा होगा अपने, सबसे पहले स्टार्ट कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, फिर मेन में करते हैं, फिर टाइमर फिक्स होता है 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, देन आफ्टर उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किया जाता है, कंट्रोल वाई कंट्रोल पैनल आर वाइड कंट्रोल ट्रांसफार्मर, लोड करने के लिए रेटेड, लोड करने के लिए रेटेड बनाए रखने के लिए, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, यानी कि इसके किस लिए प्रयोग किया जाता है, सहायक सर्किट को संचालित बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, 91 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि PVC चैनल का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है ना, MCB लगाने के लिए नहीं, रिले लगाना नहीं, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए, रास्ता करने के लिए, यानी कि PVC चैनल का उपयोग बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है नियंत्रण पट में थर्मल लोड रिले का उपयोग क्या है, यानी कि थर्मल लोड रोल जो रिले अभी होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको बेसिकली ऑप्शन इसमें कट गया है डी, इसमें बेसिकली हीटिंग से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन एक ऑप्शन कट गया है। ठीक है, चलिए इसको मेंशन कर लीजिएगा। 95 औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्या है, यानी कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सिक्वेंसली कंट्रोल क्यों किया जाता है, सिक्वेंसली कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि ऑपरेशन की सटीकता क्या हो, बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, एक्यूरेसी बनी रहे। ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर रूप से चलता रहे ना, तब बंद हो जाता है तो बहुत से नुकसान हो जाते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है ना, तो स्क्रू के भी अगला कह रहा है कि यह विद्युत तारों के लिए रास्ता प्रदान करता है, ये भी सही है, उच्च शक्ति वाले सर्किट का स्थापना करने के लिए। ठीक, डबल डेक सिरे का संयोजक लगाने में नहीं, और स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री ले जाने में, यानी कि देखो ए भी सही है और हमारा डी भी सही है। ठीक है ना, लेकिन सबसे मेनली इसका प्रयोग किया स्क्रू को कसने के लिए, उसमें बेसिकली प्रयोग किया जाता है, स्क्रू कसा जाता है, देन आप उसके केबिल को क्या करते हैं, बिछा कर ले जाते हैं। ठीक है,
98 कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, तो टाइमर का उपयोग करते हैं, यानी कि 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि कौन सा है डीसी लोड संपर्ककर्ता के डीसी को मानक कर्तव्य द्वारा कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? ये हमारा कौन सा चक्र दर्शाया गया? मोटर की मोटर लोड छोड़ प्रतिरोधक भार, शंट मोटर की शुरुआत करना, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना सही है। ये हमारा क्या है? सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, 99 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, नहीं, सहायक सर्किट को विद्युत बिजली आपूर्ति करने के लिए, पावर सप्लाई को कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 100 का भी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।